नमस्कार, मैं हिमानी, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इस समय मैं बख्शीनगर के एमएनजेएनसी के बाहरों में आपको बता दूं कि 21 साल की एक जो लड़की है उसके ससुराल वालों ने आखिर उसके साथ क्या किया जो उसके मायके वाले इस टाइम हॉस्पिटल के बाहर है। तो चलिए, घर वाले यहाँ पे हैं तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आंटी पता नहीं ऐसे में जल्द पूरी खत्म हुई थी, ओला पता लगा सी, कोई पता ना। कितने बजे पता लगा? 5:30 बजे। तो शादी कहाँ हुई थी? 2 महीने शादी हुई थी। हुई कहाँ थी? फर्दोसाबाद। तो लड़का क्या करता है? पता नहीं, दुकान रखी। तो इस समय कोई ससुराल वाले यहाँ है? नहीं, उसका ससुराल वाला कोई नहीं आया हुआ है। उसने सोरे ने फोन कॉल की मेरे को, लड़की हमें मार दी है। अच्छा, उसके ससुराल से खुद ही कॉल आई? हाँ, उसने कॉल की मेरे को, लड़की मर गई, आप हमारे साथ बैठ के। तो क्या लगते हो? मैं उसका भाई लगता हूँ लड़की का। उन्होंने खुद फोन किया कि आप आओ, अब हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, लड़की की डेथ हो गई है, हमने मार दिया लड़की को। लड़की के नानी घर गए वो, उसका ससुराल वाला ससुर खुद गया उधर, मल्कि मार्केट गया, उसने खुद बताया कि लड़की मर गई, आप पुलिस कंप्लेंट कोई नहीं कर रहा। तो उन्होंने कैसे मारा, कुछ पता लगा कि आखिर किया? मारा उसने, गला घोट के मारा उसने। इसमें लड़की की जो डेड बॉडी है वो कहाँ है? अंदर है ऊपर है। तो पुलिस में आपने कंप्लेंट करवाई? हाँ, मैं करवा दी पुलिस में। तो क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले बोलता है उनको जा गए हैं उधर, उनसे कर गए हैं वो। मिल गए एक लड़की के ससुराल वाले? पुलिस को कोई राशि नहीं हुआ है, ठीक है, वो खुद लड़की को। कितने बजे का वाकया ये हुआ है? 4:30 बजे फोन आया। 5:30 बजे मेरे को लगा ली उसने। फैमिली को तो बाद में पता लगा, 6:30 बजे पता लगा। अभी तक जो ससुराल पक्ष पे कोई यहाँ नहीं आया? नहीं आया। तो अभी पकड़ा भी कोई नहीं? कोई नहीं पकड़ा, वो उसका ससुर खुद पुलिस में है। जल्दी पकड़ना चाहिए। 2 महीने फिर जब से लड़की की शादी हुई थी, घर आके कभी इसने बताया कि मेरे ससुराल वाले मुझे किसी चीज के लिए तंग कर रहे हैं? जब वो आते थे खाली 2 मिनट के लिए आते थे, आधा घंटे के लिए आते थे, बस उसके बाद चले। रात को अब तक रहे नहीं कभी भी, जब भी फोन पे बात होती है उसकी सास पास में बैठी हुई थी। तो ये अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज? अरेंज मैरिज। तो आप देख सकते हैं को तो शादी हुई है अभी, यही अप्रैल 20 में। अब आप क्या अपील क्या कर रहे हैं? हमें इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। अगर 2 घंटे के अंदर वो अरेस्ट नहीं होता, हम पूरा रोड बंद कर लेंगे। जहाँ सार जितने भी आया सब रोड के अंदर चले जाएंगे। जो हमें वो अरेस्ट चाहिए, वो मुजरिम है, फरार है, मर्डर केस किया उन्होंने। अब तक ये पुलिस उनको जल्दी उनको अरेस्ट। साल में कौन कौन था? उसका सौरा था, उसका सास थी, घर वाला था, नाम बताइए। एक मोहम्मद रफीक है, उसका सौरा, उसका ससुर है, उसका तो मोहम्मद शफीक है जो उसका घर वाला है। ससुर बन गए ना, ससुर के ना होता। सास थी घर में, एक छोटा लड़का है उनका, सभी ने मिल के मारा उसको। चारों ने मिल के मारा उसको। बच्ची कितने दिन पहले मायके आई थी? ये काफी दिन हो गए, ईद का एक दिन दोबारा। आप क्या लगते हैं बच्ची के? मैं नानू हूँ। अच्छा, ईद के दिन बच्ची आई? ईद के दूसरे दिन बच्ची। अच्छा, ईद के दूसरे दिन बच्ची को भेजा। 2-3 घंटे आई, उसके बाद लेके चले गए हैं। तो कभी भी आपको 2 महीने में लगा नहीं की बच्ची वहाँ पे? बताया कुछ नहीं बच्ची ने। अगर कोई फोन इतना बताती थी की मुझे, हमें फोन नहीं करने देती है, मुझे फोन नहीं करने देते हैं। जब मैं फोन करती हूँ तो मेरे सास मेरे पास बैठ जाती है आके, मुझे बात नहीं करती। वो यही बोलती, मैं ठीक हूँ मम्मी, आप कैसे हो? बस मम्मी से बात करती थी और किसी से बात करती। हम उसके घर से कोई 2 किलोमीटर नीचे रहते थे, हमें भी उन्होंने फोन नहीं करने दी। आप ससुराल से उसके घर से 2 किलोमीटर दूर? 2 किलोमीटर दूर है हम उनसे, ससुराल से। हमें कोई गल नहीं, उसके बेटी की मासी जो साथ में वो भी रहती थी, उसके साथ भी कोई कनेक्ट नहीं होने देते थे, बिल्कुल बात करने नहीं। आप लोग 2 महीने फिर चुप थे जब आपको पता लगा कि आपने अपनी बच्ची की जहाँ शादी की है वो कोई कांटेक्ट नहीं करने देते, फोन पे बात नहीं करने देते, मिलने नहीं देते? खाली माँ के साथ बात होती थी, उसको तीसरे चौथे दिन बात करती की जब शादी हो जाए, माँ तक तो रिश्ता नहीं ना, बाकी भी रिश्तेदार होते। तो कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की कि आपने जहाँ बच्ची की शादी की है पास में साथ में माफी रहती है, वो अगर वहाँ तक नहीं पहुँची, नान के हैं? मैडम जी, हम यही सोचते थे कि बच्ची की बस जाए। आजकल इतना कुछ आप दुनिया में देख रहे हैं, आए दिन कहीं ना कहीं इस तरह के वाक्य सामने आते, कभी आपको नहीं लगा कि हमें पता करना चाहिए अपने बच्चे के लिए? हम यही सोचते रहे, बच्ची को डांटते रहे कि बच्ची कोई भी बात हो तो बर्दाश्त कर ले। आज पछतावा हो रहा है ना, अगर मौके रहते आपने अपनी बच्ची को पूछा होता तो आज पछतावा नहीं होता। हम आप देख सकते हैं, रस्त होना चाहिए,
पूरी फैमिली रेस्ट होनी चाहिए वो, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट का उसका एक्ट है वो उसको उन पर लगाएं सभी को, एक भी मेंबर उनका बचना नहीं चाहिए। जल्द से जल्द उनको रेस्ट करना चाहिए, जल्द से जल्द रेस्ट होना चाहिए, आज रात को मैं रेस्ट होना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? ये सारी ठीक जिंदा के ये इंडिया का सी और तभी कोई नंबर ना चाहिए, जब हासी होने चाहिए तो टबर ही परिवार बैंक की कॉपी तो सब बैंक की कॉपी कौन मांग, बैंक का कब मांग रहे थे, किसकी बैंक की कॉपी मांग, लड़की की जो मार दी उसकी बैंक की कॉपी, उसका बैंक अकाउंट जो कम डॉक्यूमेंट्स थे वो कल मांग रहे थे। ये आपको किसने बताया, बेटी नहीं बताया, उन्होंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी को बोला मैं मेरे माँ को बताया, माँ को बताया मेरे डॉक्यूमेंट्स भेजो, मेरे ससुर वाले मांग रहे हैं मेरे डॉक्यूमेंट्स भेजो और बैंक की कॉपी भी भेजो। बैंक में क्या था, वो गरीब आदमी जो दिहाड़ी लगाता है, खाली या नहीं लगी तो बस ऐसे रहे। पति उनका क्या काम करता था? उनकी दुकान रखी है, वो दुकान करता वो, उन्होंने गाड़ी भी रखी अपनी। ये जो वाकया मैं आपको बता रही हूँ, इसमें बख्शीनगर एमरजेंसी की मैं बाहर आपको बता रही हूँ, जो एक लड़की जिसकी शादी हुए 2 महीने लगभग हुए थे, तो उसकी लड़की को जो इस समय आप देख सकते हैं, ये जो लड़की की माँ है जो इस समय अपनी बेटी के लिए जो रो रही है, ओम शांति ओम भी जरूर लिखेगा हमारे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि एक जो महिला है उसने अपनी बच्ची आज जो खोई है 21 साल की, जिसकी 2 महीने लगभग हुए थे शादी हुए। ये जो वाकया मैं आपको बता रही हूँ, ये इमरजेंसी में बख्शीनगर इमरजेंसी का आपको बता रही हूँ, भगवान उस बच्ची की आत्मा को शांति दे, जिस बच्ची की जान उसके ससुराल वालों ने ली है। मायके वालों का ये कहना है कि बच्ची की शादी हुए महज 2 महीने हुए थे, तो 2 महीने में ही हमारी बच्ची जो है कम आती जाती थी लोगों से अपने ताल्लुक में, उसके ससुराल वालों ने बात नहीं कराते थे, वो सास उसके बाद पास में बैठ दी है 1 मिनट 2 मिनट, मेरे साथ 4 दिन हो गए मेरे साथ बात नहीं की, मैं उसका बाप हूँ, फादर साहब हूँ मैं उसका। वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा और ओम शांति ओम भी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 21 साल की जो बच्ची है जिसके महज 2 महीने हुए थे शादी हुए हुए, और उसकी ससुराल वालों अभी 2 महीने में एक दिन काम है, अभी 2 महीने में एक दिन। आप क्या लगते हैं बच्ची के? मैं उसका खा लूँ बड़ा वाला। क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील क्या करना चाहते हैं? एक अपील करना चाहते हैं, मोदी बोरा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये लोग शरेआम आ रहे हो, बेटी मार दी उन्होंने, उनको फांसी होनी चाहिए, हम यही डिमांड करेंगे और कोई डिमांड नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं घर वालों का अब यही कहना है कि जो बच्ची के कातिल हैं उन्हें फांसी होनी चाहिए। अगर 2 घंटों में बच्ची के ससुराल वालों को नहीं पकड़ा गया तो ये रोड ब्लॉक कर देंगे। आए दिन लगातार आप इस तरह के मामले देखते हैं, तो आज एक जो और मामला जम्मू से सामने आया है, 2 महीने अभी हुए ही नहीं है, 2 दिन भी 2 महीने शादी को होने में है, आप फिर भी अंदाफर गाले 2 महीने ही हुए हैं शादी को हुए, और उस बच्ची का उसके ही ससुराल वालों ने जो है कत्ल कर दिया है। 21 साल उम्र थी महज 21 साल की उम्र की जो लड़की थी, जिसे अपने मायके में भी कम आने जाने दिया करते थे और साथ में ही अपने रिश्तेदारों में भी कम आने और बात भी कम करने दिया करते थे। मैं आपको बता दूं, इस समय आप देख सकते हैं ये जितने भी लोग यहाँ हैं उस बच्ची के मायके वाले हैं जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ससुराल पक्ष से अभी एक आदमी भी वहां यहाँ नहीं पहुंचा है। इनका यही कहना है कि जितनी जल्दी हो सके कम से कम 2 घंटे के अंदर अंदर जो लड़की के ससुराल वाले हैं उन्हें पकड़ा जाए, ताकि फांसी की जो सजा उन्हें मिले। वीडियो को आप ज्यादा से शेयर कीजिएगा, हम आपको लगातार ऐसे वाक्य बताते हैं, मगर मैं परिवार वालों से भी कहूंगी, अगर आप अपनी बेटी की शादी करते हैं पहले तो आप परिवार वालों को जांचिए, पड़ताल कीजिए कि परिवार कैसा है। शादी के बाद भी आपको लगे कि आपकी जो बच्ची है आप तक कम आ रही है, फोन पे आपसे कम बात कर रही है, लगे कि रिश्तेदारों से कम मिल रही है, तो आपको जरूर अपनी बच्ची से बात करनी चाहिए। आखिरकार आपको भी कम से कम ये दिन नहीं देखना पड़े। आज इस परिवार का भी ये कहना, अगर हमने मौके पे अपनी बच्ची से बात की होती तो शायद आज हम ये दिन नहीं देखते।
हमें अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक गिर जाएंगे, हमारी बच्ची को जान से मार डालेंगे। उनका कहना है कि उसके ससुराल से 2 किलोमीटर दूर उसके नान के साथ में ही उनकी मासी रहती है, उनसे भी वो रابطہ कम करने देते थे। मैं आपको बता दूं, इस समय जितने परिवार वाले आप देख रहे हैं उस बच्ची के मायके वाले हैं, ससुराल पक्ष से यहाँ एक भी इंसान है जो नहीं पहुंचा है, ना बच्ची के जो पति है वो नहीं पहुंचा है ससुराल से, ना ससुर ना सास। मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस से यही अपील करूंगी, जितनी जल्दी हो सके आप उस कातिल को पकड़िए और उसे फांसी की सजा, जो इनके घर वालों की अपील है कि उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए और मिले। अपनी राइट भी आप हमारे जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और जानकारी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडियन ट्रिब्यून न्यूज के साथ। मैं हिमानी, धन्यवाद।